दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आग लगी थी और यह आग खुद से नहीं लगी, लगाई गई थी। करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है शहीद का। ये जो कबाड़े का गोदाम है शहीद का है, और जिसने आग लगाई है वो इनका ही पुराना जानकार हैं, बाकी की जानकारी इन्हीं से लेंगे। लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा, थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखाए चारों तरफ कि कितनी तबाही यहाँ पर मचाई गई है, कितना नुकसान हुआ है। कबाड़े का गोदाम है, भाखरी गांव फरीदाबाद में है। आप लोग देख रहे हैं, चारों तरफ दिखा दीजिए कैमरामैन, इधर भी दिखा दो। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और बाकी की जानकारी शहीद देंगे। शहीद जी आइए, इधर बातचीत करते हैं आपसे। बस 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 बस, हाँ हाँ सर, अब बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीद है जी। ये कबाड़े का गोदाम आपका है भैया? हाँ जी मेरा ही जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं 3 नंबर नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ। नेहरू कॉलोनी में कब से कबाड़े का गोदाम चला रहे हैं आप? 2-2.5 साल से ले रखा है किराया रेंट। अच्छा, तो आग कैसे लग गई? आग ऐसी, मैं शाम को 7 बजे यहाँ से गया था अपने घर पे, रात को 10 बजे। कौन सी तारीख? ये 13 तारीख है जी, रात को 13 मार्च। हाँ 13 मार्च की। मेरा रात को 10 बजे फोन आया जी मेरे पास, ये ओमवीर नाम का लड़का है इसको ताऊ का, उन्होंने भाई 13:30 बजे फोन आया था जी, अब तेरे गोदाम में आग लग रही है जबरदस्त। अच्छा। मैं वहाँ से जी 10:30 बजे यहाँ, तो पूरे गोदाम में आग लग रही थी। गाड़ी मेरे को खड़ी हुई मिली थी यहाँ पे, और हम कम से कम 8-10 गाड़ी आई थी दमकल की आग बुझाने के लिए। हाँ, आपके कहने आने से पहले ही पहुँच चुके थे? पहले ही गाड़ी आ चुकी थी, पड़ोसी ने बुला ली थी कंपनी वालों ने, वो गाड़ी काम किया पड़ोसी। तो सर उसके बाद फिर हम आग बुझाने में लग रहे, सुबह 4 बजे थी आग बुझा रही थी। पुलिस ने फिर मेरे बयान लिए, मैंने शक के तौर पे, एक लड़का है मेरे परिवार से चैटा, वो एक दिन मेरे पीछे, पूरा नाम बताइए? उसका चैटा नाम है जी, इमरान है नाम था उसका। अच्छा अच्छा। वो एफआईआर में क्या लिखवाया उसका नाम? नहीं मैं बताता रहा हूँ, शक के तौर पे मैंने उस लड़के का नाम लिखवा दिया था जी, मतलब कि वो मेरे एक दिन पहले गोदाम में दारू पी के आ गया था, मैंने उसको भगा दिया था वैसे ही, मतलब कि हाँ मत आकर दारू पी के, तो मैंने शक के तौर पर लिखवा दिया। फिर भी मैंने पुलिस को कहा था, मैं सुबह जी अब अपने कैमरे वमरे देखूंगा कंपनियों के, कौन बंदा है कौन नहीं। हमने जी सीसीटीवी फुटेज अपने निकाली कैमरों की, हमें जी नूर नाम का लड़का है एकदम क्लियर पिछड़ रहा है जी, बाइक पाया था भाई प्लेटिना पे है, 10 बजे। इमरान नहीं है? इमरान नहीं है जी, नूर है। हाँ नूर है जी। अच्छा, नूर कहाँ का रहने वाला है? ये जी बटखरा में रहता है। अच्छा, कैमरों में हमें कुछ दिख रहा है आते जाते यहाँ? अच्छा, सब कुछ दिख रहा है जी। अच्छा, सब कुछ दिख रहा है जी। कितने बजे दिख रहा है कैमरे? ये जी गोदाम में घुसा है, ये रोड से वहाँ से एंटर किया है कोने से, 9:55 पे। अच्छा, यहाँ जी 9:56 पे, यहाँ जी 10:00 घुस रहा है यहाँ से, यहाँ 10:07-08 पे आग लग चुकी थी। बाइक लेके भागा, भागता भी दिखा है कैमरा में, सामने वाले कैमरे में दिख रहा है। ठीक। हाँ, मैंने जी तुरंत पहचान लिया, क्योंकि मैं उसे 25-30 साल से जानता हूँ। जिस बंदे को जी जानेंगे पीछे से पहचानने का डाटा उसने लगा रखा है। अच्छा, डाटा लगा रखा है। गाड़ी वाड़ी पहचान ली होगी? गाड़ी पहचान ली जी, पलीटना मोटरसाइकिल इसके पास जी। अच्छा, ठीक है, बंदा ही पहचान ले जा रही है 1000% वही है जी, मैं उसको जानता हूँ। तो पुलिस को बता दो, सब कुछ बता रहे हैं। थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये पाली चौकी वाले कर रहे हैं, डबुआ अभी थाना लगता है। हाँ, पाली चौकी हाँ, थाना। सब कुछ बता दिया जी, वगैरह हो गई ना? सब कुछ हो जी, मुकदमा भी हो गया है, लेकिन पुलिस अभी इसको उठा नहीं रही है, क्या कारण है क्या नहीं है इसकी हमें पता नहीं। भाग गया होगा ना वो? अब ये नहीं कह सकती भाग गया, एफआईआर में नाम लिखवा दिया तो भाग ही गया होगा। पुलिस, हम ये चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से, कि हमारे उसको बंदे को उठाए, कार्रवाई करे सख्त से सख्त, उठा के उसके साथ। अच्छा, क्योंकि उसका एक भाई है जी नवाब, उनको पूरे परिवार को पता है, उनको भी आग इसी ने लगाई, एक भाई है उनका नवाब, वो एग्री नहीं हो रहा जी। अच्छा। 2 बार पंचायत बैठ चुकी है, एक बार ही बैठी है, वहाँ भी एग्री नहीं हो रहे हैं। तो सर मुझे उस पर भी डाउट है, अब हो सकता है उसके कहने पर आग लगाई हो, अगर पुलिस उसको उठाए पूछे ना, नवाब के कहने पर आग लगाई हो उसने, मुझे ये भी डाउट। ये लोग आग क्यों लगा देंगे आपके गोदाम में, ये बताइए? ये आग ये लगाते थे जो ये चिढ़ते हैं। एक तो आपकी बिरादरी के ही? हाँ, बिरादरी के हैं जी। कोई दूसरा होता तो समझ में भी आता। ऐसा जी, ये बंदा है चिढ़ता जी, हम इसको मना करते हैं भाई हमारे गोदाम में मत आ करो, हम ये कहते हैं कि ये गलत काम करते हैं, ये इनके लड़ाई झगड़े का काम है जी, हम अपने काम से काम रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ पर चिढ़ते हैं, खाली चढ़ा नहीं चला नहीं। अच्छा। ये सारा जमीन जो आपने लिया है रेंट पे लिया? रेंट पे ले रखा है आपकी जमीन है? रेंट पे ले रखा जी मैंने। अच्छा, ये सामान किसका है? ये मेरे भाई का जी, ये बच गया, अड़ोसी पड़ोसी। अच्छा। थे यार दोस्त थे, वो पहले आ गए थे, रात को हमसे पहले पहुंच गए थे, उन्होंने ये बचवा दिया यहाँ पर। मैंने एक कमरा बना रखा था बांस बल्लियों का। अच्छा। वो जल गया था, जल गया वो भी। देखिए
एक कमरा सा बना रखा था बांस बल्लियों का, वो भी जल गया जी। हाँ, अपने यार दोस्त आए थे, भाई भाई, इन्होंने ये बुझवाई, क्योंकि ये तो जल गया था जी, अब ये तो बचाओ कम से कम, ये बचा दिया जी। और जो अड़ोस पड़ोसी में उनका जी सामने टंकी जल गई कंपनी वाले की, देखो वो टंकी जली पड़ी है। हाँ, तो रबड़ का सामान था, रबड़ का स्क्रैप, तो आग भयंकर लगी होगी, आप लोग समझ सकते हैं, जब रबड़ थी और आग तेजी से फैली होगी। और यहाँ पर वैसे वीडियो इन्होंने भेजी थी जिसमें आग भड़कते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन सवाल पुलिस से है, डबुआ थाना पुलिस से, जब मुकदमे में नाम भी है, सीसीटीवी में भी आते जाते दिख रहा है, तो अब तक पकड़ा क्यों नहीं, यही सवाल है। इनकी मांग है फटाफट कार्रवाई की जाए, फटाफट उसको पकड़ा जाए, पता लगाया जाए कि किसके कहने से उसने आग लगाई, क्या रंजिश थी, क्या खुंदक निकाली है कि 20-25 लाख 18 लाख तक का नुकसान कर दिया, इनका कहना है। और कुछ कहना है पुलिस से? यही कहना है कि यही है वैसे साफ चीज़, हमें उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और पाली चौकी कार्रवाई कर रहे हैं, इनका कहना है। और डबुआ थाना के अंतर्गत ये चौकी आती है, तो डबुआ थाने के SHO श्री भगवान जो काफ़ी ईमानदार हैं, उनसे भी इनकी यही अपील रहेगी, फटाफट कार्रवाई कराएँ, चौकी से कहें तो वो फटाफट कार्रवाई करेगी। कहाँ रहता है ये नवाब और ये जो कह रहे हैं नूर? बड़कर में रहते हैं जी, ये बड़कर में रहते हैं, वो कुमार वाली पुलिया के साथ से रास्ते जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, हमने दिखा दिया आपकी रिपोर्ट, आपकी परेशानी बता दी, पुलिस से क्या आपकी मांग है ये भी बता दिया है, बाकी देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमा नंबर याद है आपको या कोई कॉपी है आपके पास? 0151 शायद यही है मेरा नंबर है, और डबुआ थाना का ये मुकदमा है, बाकी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।